है नाव तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ से कुछ पूछना है? माइक माइक दे देना आगे। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे अगर हम भोजन करने बैठे हैं तो भी हमारा मन बुद्धि जो है मतलब हमेशा मनन करती रहती है, वो शांत नहीं होती। तो इसमें ये था जैसे कि वो बता रहे हैं कि जब आप स्थिर बुद्धि वाले हो जाओगे तब आपका मन शांत हो जाएगा, लेकिन योग दर्शन में हमें इससे थोड़ा भिन्न बताया जाता है कि जब आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तब आपको प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। भिन्न कहाँ, एक ही तो है जी। वहाँ पर शब्द बोल दिया चित्तवृत्ति निरोध है जी, और यहाँ पर कह दिया कि आपकी प्रज्ञा शांत हो जाए, बुद्धि शांत हो जाए। तो दोनों बात एक ही है। जब विचारों को रोक देंगे तो ही बुद्धि शांत होगी। तो मेरा मूल प्रश्न ये था कि जैसे हम खाना खाने बैठ रहे हैं, मतलब हमारे मन निश्चय तो है कि हम इस समय भोजन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कुछ भी सोचता रहता है, काफी प्रयास भी किया मैंने, उसके बाद भी मन कहीं ना कहीं जाता ही रहता है, खाने में नहीं लगता। तो क्योंकि आपने प्रयास रोकने का प्रयास कितने दिन किया? अभी कुछ ही दिन। दो चार दिन, पांच दिन, दस दिन जी। और कोई भी काम करते समय मन कहीं भी जाए ये छूट देने का अभ्यास कितने दिन किया? जन्मों जन्मों से। तो इतना लंबा अभ्यास एक दिन में नहीं टूटता है, क्योंकि उसको बनने में भी टाइम लगता है ना किसी चीज को। तो ये जरूरी नहीं है कि अविद्या के बनने में यदि 200 करोड़ वर्ष लगे हैं तो अविद्या के मिटने में भी 200 करोड़ वर्ष लगेंगे, ये जरूरी नहीं है। पर कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है किसी भी चीज को। तो जो स्वामी जी बताते हैं ना, उचित विधि उचित समय। अब जैसे मान लो कोई माँ कहे कि मेरे को तो 9 महीना में वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो 1-2 महीने में ही पुत्र का दर्शन करना है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं मिल सकता है। तो उसको 9 महीना तो देना ही पड़ेगा उस काम के लिए। कोई माँ कहे कि मैं तो मेरा बेटा जवान हो उसके लिए 20 वर्ष वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो 20 दिन में अपना बेटा जवान चाहिए, और फिर उसको वो बादाम भी खिलाए, काजू भी खिलाए, पिस्ता भी खिलाए, दूध भी पिलाए और आवश्यकता से ज़्यादा ही खिलाए, तो कभी कभी तो बच्चे के लिए खतरा भी हो जाता है फिर। क्योंकि बच्चे का जो पूर्ण विकास है वो कब कितने दिन में होगा, उसमें तो 20-25 वर्ष लगेंगे, उसमें 1-2 वर्ष आगे पीछे हो सकता है। भाई किसी को बहुत पौष्टिक आहार मिला है तो वो 15-16 वर्ष में ही इतना नौजवान हो जाए, किसी को थोड़ा कम मिला है तो 20 वर्ष में हो जाएगा, लेकिन सूखी रोटी भी खाई है तो भी वो 20-25 वर्ष में नौजवान हो ही जाएगा। तो जब आप पैदा हुए बहुत छोटे बेबी थे, तो आपने प्रतिदिन कितना कितना खाना शुरू किया, जितनी जितनी आपकी कैपेसिटी थी। जब बिल्कुल छोटे थे तो माँ का स्तन का दूध ही पर्याप्त था और कुछ नहीं खाना, और थोड़े बड़े हुए तो थोड़ा सा दाल का पानी पिला दिया माँ ने, और थोड़े बड़े हुए तो कोई जूस पिला दिया, और थोड़े बड़े हुए तो चपाती दे दी, चावल दे दिया। तो जितनी जितनी सामर्थ्य बढ़ती गई उतना उतना आप देते गए इसको, और वो देते देते, चलो हम तो साक्षी नहीं थे आपके शरीर का छोटे से बड़े होने में, आप तो साक्षी थे। तो वो इतना छोटा बेबी से और अभी इतना बड़ा जो शरीर बन गया, तो आपको पता चला ये कब बना? महसूस नहीं हुआ ना? बस हम तो रोजाना देते गए और वो अपने आप बढ़ता चला गया, हमें नहीं पता लगा कब रात में बढ़ा कि दिन में कि दोपहर में कि कब बढ़ा, पता नहीं चला। तो ऐसे ही अपना जो एक आध्यात्मिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है,
अविद्या का जो नाश है वो भी क्रमशः होता है। थोड़ा थोड़ा आज आपने ध्यान रखना शुरू किया तो कम से कम आज आपको ये तो नॉलेज में आया कि माइंड कहीं और जा रहा है। आज से पहले तो इतनी भी एकाग्रता नहीं थी कि कहाँ जा रहा है और जा भी रहा है ये भी नहीं पता था। तो आज इतना तो विकास हुआ ना हमारा कि हमें ये तो पता लगा कि ये कहीं कहीं और जा रहा है, केवल यहाँ यहाँ नहीं रह रहा है। फिर आपको और उससे ज्यादा जागरूकता आएगी कि ये जहां जहां जा रहा है वो विचार मेरे लिए कंपल्सरी हैं या अनावश्यक हैं, क्योंकि विचार केवल दो ही भागों में नहीं बांटे जा सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो यद्यपि महर्षि पतंजलि ने दो ही भागों में वृत्तियों को बांट दिया, क्लिष्ट अक्लिष्ट, अक्लिष्ट मतलब पॉजिटिव, क्लिष्ट मतलब क्लेश देने वाली नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव में भी फिर कई कैटेगरी हैं। एक नेगेटिव विचार है जो जब आप दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं या अपना बुरा सोचते हैं, आप दुखी होते हैं, गुस्से में हैं, जो भी। और दूसरे होते हैं वेस्ट विचार, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, अनावश्यक विचार। वो किसी की हानि नहीं कर रहे हैं, उस रूप में नकारात्मक नहीं है, लेकिन अपना कोई लाभ भी नहीं कर रहे हैं या किसी अन्य का लाभ भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? अनावश्यक विचार। जैसे खाना खाते समय कोई भी विचार आ गया, अब उस विचार से किसी की हानि नहीं हो रही है, अपनी भी कोई बहुत ज्यादा हानि उस तरह की नहीं हो रही है, लेकिन एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही है। जो हम बचा सकते थे भाई, जितना भी आप, अब हमने लाइट जला के रखी है तो किसी की हानि तो नहीं हो रही है, और इसको तो क्योंकि आवश्यकता है इसलिए वेस्ट नहीं कहेंगे, पर लेकिन यदि पाठ के बाद भी जलती रहें लाइटें तो फिर ये वेस्ट ही है ना, क्योंकि अब तो दिन है, सूर्य उदय हो रखा है, फिर भी हमने लाइट जलाई है तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही है, भले ही इससे नुकसान नहीं हो रहा है, और उस दृष्टि से देखें तो नुकसान हो भी रहा है जिसको बिल पेमेंट करना है। तो क्योंकि हमें जो शक्ति मिली थी सोचने की, वो किसी और काम के लिए मिली थी, आत्म साक्षात्कार के लिए मिली थी, और हम उसको वेस्ट कर रहे हैं अन्य अन्य विचार करने में, तो मेरा लॉस तो हो ही रहा है एटलीस्ट, भले किसी और का नहीं हो रहा है। तो ये जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती जाएगी तो फिर उनके ऊपर अपने आप ही कंट्रोल होता चला जाएगा, और वो करते करते एक फिर ऐसी स्थिति आती है कि जब व्यक्ति चाहता है तो कोई विचार उठाता है, नहीं चाहता है तो वो अपने बहुत सारे काम भी समाधिस्थ जैसी अवस्था में कर लेता है। जैसे समाधिस्थ व्यक्ति हो ना, उस अवस्था जैसा, जैसे कुछ बच्चों को अभ्यास होता है ना, वो नींद में सोए सोए भी दूध पी लेते हैं, छोटे बच्चे, जैसे वो शाम तक तो खेलते रहेंगे कूदते रहेंगे, फिर खाने के समय में सो जाते हैं, फिर उनको 8-10 बजे 9-10 बजे भूख लगती है, वो थोड़ा कुल मुलाते हैं तो फिर उनकी माँ उनके मुख में बोतल लगा देती है, तो वो नींद नींद में पी लेते हैं। फिर और थोड़ा बड़ा हो जाए, यदि बोलने लग जाए तो फिर बोलेगा कि मैंने कल दूध पिया ही नहीं, तो उसकी माँ बताती है पिला दिया था तेरे को नींद में, जैसे 2-3 साल का बच्चा हो तो नींद नींद में भी कर लेता है ना व्यक्ति काम, बड़ा व्यक्ति भी कर लेता है अभ्यास हो तो, कभी कभी नींद नींद में कुछ काम कर लेते हैं, अभ्यास हो गया ना वैसा। तो ये समाधिस्थ रहते हुए भी वो योगी उन कार्यों को कर लेता है, जैसे खाना खाना है तो उसमें उसको बहुत ज्यादा सोच विचार करने की या बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है, स्थिरमती होते हुए भी वो कर लेगा उसको, या बहुत कम मात्रा में वो अपनी यूज करेगा। तो इसमें अपने को बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचने की आवश्यकता है कि जी इतना प्रयास किया, क्योंकि कभी कभी फिर आपका प्रयास ही बाधक बन जाएगा, अति प्रयास किया ना यदि आपने, तो फिर वो प्रयास ही उस एनर्जी को खर्च कर देगा। इसलिए धैर्य धर्म का पहला लक्षण, तो जैसे मैंने बताया ना, अगर कोई माँ अति प्रयास करे
कि मेरे को तो कुछ भी खिला पिला के इसको बहुत जल्दी देखना है जवान, तो फिर उसका अति प्रयास ही बच्चे का नुकसान कर देगा। तो वो जैसे दवा डोज में दी जाती है ना, पूरी बोतल थोड़ी पिलाई जाती है, कितना भी रोगी हो कि भाई ये इतना ज्यादा क्रिटिकल रोगी है तो चलो ये 10 दिन क्या चलाएंगे, पूरी बोतल एक ही दिन पिला देते हैं, फिर तो रोगी को और मार देंगे आप। उसको डोज दी जाती है, तो ऐसे तपस्या की भी डोज है। और वो ऋषियों ने ही बताया है, जब आप दूसरा पाद पढ़ेंगे योग दर्शन का, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी, तो वहां व्यास भाष्य में उन्होंने कहा है कि जब तक ये कष्ट ना दे साधक को उतना ये करना चाहिए, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योग अभ्यास, क्रिया योग का अभ्यास। अगर वो कष्ट देने लग गया तो फिर व्यक्ति ऊब जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को किसी ने बताया कि आज के कली काल में मंत्र जाप करने से ही सब कष्टों का नाश हो जाता है, और अब वो बैठ गया है जाप करने के लिए, तो वो ठीक है जाप तो करता है ये सच है, लेकिन अब वो सो ही नहीं पा रहा है। अब वो सारी रात भर 12 1 बजे तक 2 बजे तक जाप ही चल रहा है उसका, जाप किए जा रहा है, लेट के भी जाप किए जा रहे हैं, नींद आती ही नहीं है। और ऐसे फिर 10 15 20 दिन जब नींद नहीं आएगी तो स्वास्थ्य के ऊपर भी फिर असर पड़ेगा, तो शरीर रोगी हो जाता है। शरीर रोगी हो जाता है तो मन भी फिर रोगी हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है फिर वो व्यक्ति। और तनावग्रस्त होकर के फिर उसकी जो साधना हो रही थी वो भी ठीक से नहीं हो पाती है, तो फिर 4-6 महीने के बाद उसकी पागल जैसी स्थिति हो जाती है, तनावग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है वो व्यक्ति, और फिर वो योग मार्ग को ही छोड़ जाता है, इस पे चल ही नहीं पाता है। तो इसलिए उसका भी एक उतनी मात्रा में, माने अपनी तरफ से इसका ये अभिप्राय भी नहीं है कि फिर हम दोषों को लिबर्टी दें, आने दें, कालक्रम से होगा ये तो ठीक है, ऐसे थोड़े ही एक दिन में होता है, ऐसा भी ना करें। अपनी तरफ से हम जितना कर सकते हैं वो पूरा करें, क्योंकि हम खाना इस शरीर को पुष्ट करने के लिए कितना खिलाते आए अब तक, जितनी जितनी कैपेसिटी थी शरीर की, 3 साल के बच्चे की अलग थी, जब आप 5 वर्ष के हुए तो अलग हो गई, 10-12 वर्ष के हुए तो अलग कैपेसिटी हो गई, 20 वर्ष के हुए तो अलग हो गई, तो जितनी जितनी आपकी सामर्थ्य थी उतना उतना खिलाते गए, तो उतना उतना खिलाया तो इसका विकास हो गया। तो ऐसे ही जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि भावनाओं का, फीलिंग्स का, एक हमारा सूक्ष्म शरीर भी है ना स्थूल की तरह, तो उसको रोजाना जितना जितनी हमारी कैपेसिटी है, अब किसी की क्षमता है 1 घंटा बैठने की, किसी की है 1/2 घंटा बैठने की, किसी की है 2 घंटे बैठने की, तो क्षमता बढ़ भी जाती है ना फिर, जैसे व्यायाम आदि करने से खाने की क्षमता बढ़ जाती है, ना करे तो वो एक ही चपाती खा पाएगा, अच्छे से व्यायाम करता है तो वो 2-3-4 खा लेगा, उसने क्षमता बढ़ा ली अपनी, तो अभ्यास से सब क्षमता बढ़ती है। तो जब हम ज्यादा जागरूक रहने लगते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, जाप की स्थिति में रहते हैं, तो फिर हमारी वो क्षमता बढ़ती जाती है, तो वो व्यक्ति फिर 2 घंटे भी ध्यान करेगा, 1 घंटा करेगा, 3 घंटा करेगा, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, तो उतना उतना हम करते जाएं। और फिर जैसे इस शरीर का पता नहीं चला हमें कि ये कब विकसित हो गया, ऐसे ही हमें आध्यात्मिक शरीर का, माने सूक्ष्म शरीर का भी पता नहीं चलेगा कि वो कब पूर्ण विकसित हो गया। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब ऋषि बन गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब एक महापुरुष बन गए, आप तो बस करते गए रोजाना अपना जो आपको करना था। तो इसलिए साधक के लिए बहुत ज्यादा आगे की योजना बनाने के लिए, एक बार बना ली बस बहुत है, रोज रोज फिर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और पीछे में क्या था, अभी तक मैंने क्यों शुरू नहीं किया, इतने वर्ष मैंने क्यों वेस्ट किए, अभी तक मैं क्यों नहीं आ गया, इस पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समय दोबारा आने वाला नहीं है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपना समय और शक्ति किस पे खर्च करना है, आज के दिन पर। आज का दिन मेरे हाथ में है, इसको मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकूं। आज का यदि ठीक यूज कर लिया तो निश्चित रूप से कल भी अच्छा ही होगा,
कल अच्छा होगा तो परसों अच्छा होगा, प्रेजेंट यदि ठीक है तो फ्यूचर तो अपने आप ही ठीक होगा, निश्चित रूप से होगा। और प्रेजेंट और फ्यूचर यदि अच्छे हैं तो भूतकाल बिना अच्छा भी रहा तो भी चलेगा, क्योंकि ये उसको ढक लेगा। तो अपने को ज्यादा फोकस किस पे रखना है? आज के ऊपर, आज के दिन पे। आज मैं अपने लिए बेटर से बेटर क्या कर सकता हूँ वो मैंने किया, इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। और कोई प्रश्न? ओम दीदी, ये जो 66 नंबर श्लोक है, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम जी, इसको कल आपने समझाते हुए ये भावना शब्द के ऊपर ज्यादा प्रकाश डाला था, और ये भी आपने कहा था कि जब भावना का स्तर बढ़ाने के लिए जो भी परिस्थिति आए उसको सहन करना सीखना चाहिए, बस सहन करना चाहिए जी। तो ये जो सहन करना है ये भावना का एक उपादान है या इस बिंदु है, या इसके अलावा और भी कुछ बिंदु है भावना की, जो भावना जो इमोशनल है इसमें और कुछ भी है क्या, ना सिर्फ सहन करना ही? ना ना, बहुत हो सकती है भावनाएं, तो उसके ऊपर थोड़ा जानना चाहता हूँ। सहन करने की भावना है, क्षमा करने की भी भावना है, किसी से कुछ हो भी गई त्रुटि तो हम उसको क्षमा कर दें, सहन कर दें, प्रसन्न रहने की भावना है, मुझे प्रसन्न रहना है कैसी भी किसी, तो भावनाएं अनेक हो सकती हैं। करुणा की भावना हो सकती है, मित्रता की भावना हो सकती है, अपनेपन की भावना हो सकती है, जैसे कोई मेरा अपना ही संबंधी कोई त्रुटि कर दे तो हम उसको कैसे माफ कर देते हैं कि चलो अब ये हमारा अपना ही है, अब किसको कहें। कोई माँ सहन कर लेती है ना कि अब मैं किसको कहूँ क्योंकि ये मेरा अपना ही पुत्र है, तो अब जैसा भी है क्या कर सकते हैं। किसी का पति शराब पीता है तो वो महिला सहन कर लेती है, क्या करें, अपना ही पति है। तो अपनेपन से भी चीजें फिर कंट्रोल में आती हैं, फिर रिएक्ट नहीं होता है। तो ऐसे ही जो साधक है, जो योगी है, वो कहता है कि अब मैं किसको कहूँ, ये सारा परिवार ही मेरा अपना है, वसुधैव कुटुंबकम, जो भी जो है वो सब मेरे अपने ही हैं। तो अपने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको समझाना नहीं है, जैसे माँ अपने बच्चे को अपना मानते हुए भी उसको गलत से हटाती है और ठीक पे लगाती है ना, तो ऐसे उसको समझाना भी है लेकिन अपने मन में अपने को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देती है माँ कि वो भी बच्चे के साथ रोने लग जाए, ऐसा नहीं करती। रोता है तो उसको संभालती है और जिस कारण से रो रहा था उस कारण को भी हटाती है। तो ऐसे हम अनेक भावनाएं हो सकती हैं, मैंने तो एक का जिक्र किया था केवल। इतत अधिकम उष्णम अभूत, और पीछे दे दो, उनको दे दो उधर। हाँ आप दीदी, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि इंद्रियों को विषयों से बचाना चाहिए, बाहरी विषयों से, तो हमने कछुआ का भी उदाहरण दिया था कि जब परिस्थितियाँ देख के कछुआ अपना अंग अंदर कर लेते हैं, वैसे अपनी इंद्रियों को भी हमें बचा के रखना चाहिए। तो इसमें ये 65 नंबर के श्लोक में कहा गया है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष विषयों को न छोड़कर उसमें राग द्वेष को छोड़ देता है। वहाँ भी वही है, कछुए को तो ये भी तो बताया ना कि वो खोल के चलता है, मतलब आत्मवश्यई इंद्रियई राग द्वेष वियुक्तई ही चरण, ये शब्द भी तो डाला कल जो पढ़ा उसमें। तो दीदी हम विषयों का तो उपभोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, शरीर है तो खाना खाना ही पड़ेगा। तो हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए, जैसे हम देखते हैं कछुए जैसी, जैसे ही चोट लगने का हो तब अपने आप को सिकोड़ लेता है, तो जैसे ही पता लगे कि इस विषय का सेवन करते हुए यहाँ खतरा पैदा हो गया, वहां से बैक गियर लगा ले। फिर वो खतरा क्यों पैदा हुआ, तो इन्हीं में से कुछ मिलेगा, राग द्वेष अभिनिवेश घृणा कामना, कोई ना कोई अविद्या मिलेगी वहां पे, तो वहां अपने आप को पीछे खींच लेना। क्योंकि मानव जन्म का तो उद्देश्य ही भोग और अपवर्ग है,
तो भोग से तो छूट सकते ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए गीता भी यही कह रही है, योग दर्शन भी यही कह रहा है, उपनिषद भी यही कह रही है। उपनिषद क्या कह रही है? पहला ही मंत्र बोलो। वही कह रही है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोग तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे भोगें? त्याग भाव से। त्याग भाव का मतलब यही है, आसक्ति ना हो, आप किसी चीज के गुलाम ना बन जाएं। देखो मतलब शरीर है तो खाना देना ही है, खाना तो देना ही है। एक व्यक्ति खाने का गुलाम होता है और एक व्यक्ति गाड़ी है तो इसको डीजल पेट्रोल जितना देना आवश्यक है उतना दे देता है। दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है ना। तो जो खाने का गुलाम है उसको वैसा वैसा यदि नहीं मिला तो वो अंदर तक डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। और दूसरा व्यक्ति जो भी मिला भगवान का प्रसाद समझ के, इसको चलाने के लिए है ना, ये दे दिया, उसके बाद अगले काम में लगो। अब सारा दिन उसी भोजन के बारे में थोड़ी सोचना है। तो ये तो एक विषय का मैंने बताया, ऐसे ही सारे विषयों का, पांचों विषयों का। जैसे राग द्वेष, हम किसी चीज को देखते हैं तो उसे राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बोलते हैं अपन। नहीं करना चाहिए तो ईश्वर से कर लो राग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर राग नहीं हटाया जा रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकते हैं ना, कि जिससे राग कर रहा हूं ये तो अनित्य है तो करना ही है, तो ऐसे से क्या करना जो आज तो है और कल ना रहे। तो करना ही है तो ऐसे से तो करें जो कभी छूटे ना। तो शक्तियों का कभी भी नाश नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारे अंदर जो एनर्जीज है ना, तो उन शक्तियों का कभी भी अस्तित्व नहीं मिटता है, उनकी दिशा चेंज हो जाती है। आसक्ति ही भक्ति में बदल जाती है। उनकी बदल गई थी ना तुलसीदास जी की, संसार में आसक्ति थी और वो ही आसक्ति फिर भक्ति में चेंज हो गई। तो ये शक्तियां चेंज हो जाती हैं, इनका नाश नहीं होता है। क्रोध एक शक्ति है। क्रोध क्या कहता है? कि दूसरे को वैसा होना है जैसे मैं कहूं, मेरे अनुसार जो मैं कहूं उसको सुनना है, वैसे ही बोलना है, वैसे ही जीना है, वैसे ही सब काम करना है। और यदि वो वैसा नहीं करे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा। फिर इस, ये तो डायरेक्शन थी बाहर की तरफ, इस शक्ति की, बाहर ठीक करना चाह रहा था। और डायरेक्शन जिस दिन चेंज हो गई अंदर की तरफ, तो वो कहता है कि मेरे मेरी बिना इजाजत के ये मन ऐसा सोच नहीं सकता है, ये हाथ उठ नहीं सकता है, ये शरीर हिल नहीं सकता है। तो वो ही शक्ति उसकी क्या बन गई? फिर भक्ति बन गई, साधना की शक्ति बन गई। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बाहर से हमें प्रयोग करनी ही करनी पड़ेंगी। अब लोक की एक मर्यादा है तो वस्त्र पहनने ही पड़ेंगे, इच्छा नहीं है तो भी पहनने पड़ेंगे। लेकिन एक वस्त्र में आसक्ति होना वो बिल्कुल अलग है, और एक इसकी आवश्यकता है, एक मर्यादा है इसलिए पहनना, वो बिल्कुल अलग है। तो आसक्ति का निषेध है, प्रयोग का निषेध नहीं है। उधर दे दो। ओ बहन जी, ओ मेरा प्रश्न ये है कि जैसे स्वामी जी सुनते हैं, आपसे सुनते हैं, और गीता में भी आया है कि जैसे ज्ञान एक बार जैसे सुने, सत्संग में सुने ज्ञान हुआ, हमें ज्ञान का प्रकाश हुआ, फिर उसको जीने लगते हैं हम। जब उसे जीने लगते हैं फिर दूसरे सत्संग में जाते हैं, दूसरी बात आती है, उसको भी जीने लगते हैं। जैसे ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, उसको प्रकाश होकर में दिखने लगता है, ऐसा ऐसा है करके, फिर ऐसे बढ़ते जाता क्रम, फिर एक तो फिर दूसरे में गए, तीसरे में गए, और छूटते जाता क्रम, पीछे छूट जाता है, तो उसका भी दुख होता है कि ये तो वैराग्य वाला जो प्रकाश है छूट गया, अब ज्ञान वाला प्रकाश आ रहा है। तो क्या करें? तो इसमें सबको पकड़ते चले कि एक को लें, या तो एक को लो, ये प्रश्न था मेरा कि सबको लेके चले कि आने वाले को, एक को बहुत खतरनाक है साधक के लिए सबको लेके चलना। सिद्ध लेके चल सकता है, सिद्ध को अलाउ है, क्योंकि सिद्ध ये जान चुका है एकम सद्विप्रा
बहुधा वदंती, उनको पता है कि वो दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह रहा है, तो वो भले ही किसी दूसरे को पढ़े जाने तो उसको अनुमति है, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है और अब उसका सत्य अपना जो एक्सपीरियंस है वो कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जो एक्सपीरियंस मैंने खुद कर लिया उसको कोई झुठला सकता है क्या? एक बार यदि मेरा हाथ अग्नि में जल गया और अब कोई लाख कहे कि अग्नि शीतल होती है, शीतल हो जाएगी क्या अग्नि? कभी नहीं हो सकती है। मुझे पता है ना अग्नि कैसी है, जलाती है, वो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है कि नीम कड़वा होता है। अब कोई लाख बोले कि नीम तो बहुत मीठा होता है, खा के देखो आप, तो हम क्या कहेंगे? भाई हमें पता है नीम कैसा होता है, मेरा अपना अनुभव है। वो कितना भी ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर डाले कि नहीं नहीं अब जमाना चेंज हो गया है, अब नीम मीठा होने लग गया, आप खा के तो देखो, तो हम कहेंगे आप ही खाओ फिर, हमें तो अनुभव है। तो सिद्ध के लिए कुछ भी कोई चीज बाधक नहीं बनेगी, पर साधक के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए साधक को हमेशा किसी एक ही मार्ग को लेके चलना है। एक मार्ग को लेके चलेगा तो उसको फिर निश्चित रूप से लक्ष्य मिलेगा, किसी भी मार्ग से चले, वो ज्ञान के मार्ग से चले, भक्ति से चले, कर्म से चले। और आप आगे जाके देखेंगे, गीता में भी बताएंगे, ये तीनों अलग हैं ही नहीं, ज्ञान कर्म भक्ति अलग है ही नहीं। यदि ज्ञान नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते हैं, यदि आपके अंदर ज्ञान और भक्ति नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए ही हैं। तो एक समय में एक को ही सुनना, एक का ही अनुष्ठान करना और वहां उसमें लगे ही रहना, उसको छोड़ के दूसरा जाना नहीं। नहीं तो सुनिए ना कहानी, आपने एक व्यक्ति को किसी ने बताया आपके खेत में तो बहुत पानी पानी है लेकिन खड्डा खोदना पड़ेगा। तो उसने खड्डा खोदना शुरू किया तो 10 फीट खोदा, 10 फीट खोद के पानी तो बोले मिला ही नहीं, तो बोले हो सकता है यहाँ ना हो, दूसरी जगह हो। तो फिर दूसरी जगह खोद दिया, वहां भी 10 फीट तक मेहनत की, फिर बोले यहाँ भी नहीं मिला, तो बोले हो सकता है कि इस पॉइंट पे हो। तो ऐसे करते करते उसने अपने खेत में 10 जगह 10 खड्डे खोद दिए, तो खेत भी खराब हो गया ना सारा। और ये ही खड्डा यदि वो एक जगह खोदता तो 100 फीट हो जाता ना, और 100 फीट खोदता तो पानी निश्चित रूप से निकल आता। तो मेहनत उतनी ही लगी, हानि भी हो गई, लक्ष्य भी नहीं मिला। इसलिए एक कोई सिद्धांत यदि आपको जम गया है, विश्वास हो गया है, तो उस सिद्धांत को लेकर के तब तक उसमें प्रयास करते रहो, तब तक जीते रहो जब तक कि पानी ना निकल आए, उसी में लगे रहो विश्वास करके। एक ही शक्ति है, अनेक रूपों में विभक्त हो रही है, अनेक महापुरुषों में विभक्त हो रही है, और उस पर विश्वास करके जब आप चलेंगे तो आपको परिणाम 100% मिलेगा, कोई दोराई की बात। सच्चाई हर जगह चाहिए, इसलिए सच्चे साधक सभी धर्मों में हुए हैं। अनंत को पाने के लिए अनंत रास्ते हो सकते हैं ना, तो ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि भाई उस धर्म में तो कोई एक भी सच्चा साधक हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। पर मिलेगा उसी को जो उसको अनुष्ठान करेगा, उसमें जिएगा। अब चारों वेद भी यदि याद हैं अच्छे से, क्योंकि वेद तो सबसे प्रामाणिक पुस्तक है, बाकी जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं वो वेद का ही प्रमाण देते हैं, तो वेद तो हम भारत वालों की सबसे प्रामाणिक पुस्तक है, जिसको सब मत पंथ संप्रदाय वाले एक मत से स्वीकार करते हैं कि वेद हमारी सबसे पहली सर्वोत्तम ईश्वर की वाणी, सबसे प्रामाणिक पुस्तक है वेद। लेकिन उस वेद की दुहाई देने वाला व्यक्ति भी यदि वेद के अनुसार जीता नहीं है तो उसको वेद वेद कहने से भी सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सत्य की प्राप्ति तो तभी होगी जैसा वेद में कहा है वैसा वो अपने जीवन में कर पाई। तो मुख्य क्या है? अनुष्ठान करना। मुख्य क्या है? जीना। जानना मुख्य नहीं है, जान तो मतलब जितना है आपको ज्ञान वो काफी है,